أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أن إنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. सूरह जुमा की आयत 6, 7 और 8 पढ़ी गई। तर्जुमा है, तू कह ऐ यहूदी होने वालों, अगर तुमको दावा है कि तुम दोस्त हो अल्लाह के सब लोगों के सिवा, तो मन्नत करो अपने मरने की। अगर तुम सच्चे हो और वो कभी न मनाएंगे अपना मरना उन कामों की वजह से जिनको आगे भेज चुके हैं उनके हाथ, और अल्लाह को सब मालूम है कि ये गुनाहगार। तू कह मौत वो जिससे तुम भागते हो, सो वो तुमसे ज़रूर मिलने वाली है, फिर तुम फेरे जाओगे उस छुपे और खुले जानने वाले के पास, फिर वो जतला देगा तुमको जो तुम करते थे। ये 3 आयतें सूरह जुमा की हैं। इसमें पहले तो यहूदियों को कहा गया कि अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं कि वो अल्लाह को अपना दोस्त बनाते हैं, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, अल्लाह को अपना सरपरस्त और वली समझते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि वो मौत की तमन्ना करें अगर वो अपने दावे में सच्चे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ख़ुद ये बतला दिया कि वो कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। वला यतमन्नहु अबदम बिमा कद्दमत अईदीहिम, क्योंकि जो कुछ आमाल उन्होंने आगे भेजे हैं वो उससे वाकिफ़ हैं कि उनके आमाल की वजह से जब वो अल्लाह के पास जाएंगे तो उनको अपने आमाल का खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों से अच्छी तरह वाकिफ है। ये एक हिस्सा है। बात दरअसल ये है कि अहले किताब यहूद व नसारा भी अल्लाह पर तो ईमान रखते हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह की किताबों में तहरीफ की, उनके अकायद में तब्दीली आई। मूसा अलैहिस्सलाम जो तौरात उनको देकर गए थे उसको उन्होंने असली शक्ल में बाकी नहीं रखा, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसमें तहरीफात की, उसके माने और मतालिब को तब्दील किया। और फिर यहूदी ही वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह ताला के लिए बेटा तजवीज़ किया, बाद में ईसाइयों ने भी अल्लाह ताला के लिए बेटा तजवीज़ किया। सूरह तौबा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़ालतिल यहूदु उज़ैरुन इब्नुल्लाह وقالت النصارى المسيح ابن الله, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं,
और ईसाइयों ने कहा कि ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के बेटे हैं, मसीह अल्लाह के बेटे हैं, ये दोनों बातें गलत हैं। अल्लाह ताला की ज़ात तो पाक है हर शिर्क से, और कोई उसका शरीक नहीं, कोई उसका बाप नहीं, कोई उसका बेटा नहीं, कोई उसकी औलाद नहीं। फसुबहान, वो इस तरह के हर ऐब से पाक और बरतर है। तो ये अकायद का बिगाड़। फिर दूसरी तरफ ये कि अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों में से बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हराम कर लिया, और अल्लाह की हराम की हुई बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने अपने ऊपर हलाल कर लिया। नतीजा ये हुआ कि इतना बिगाड़ इनके अंदर आया कि इनको तौरात मिलने के बावजूद ये उसका तहम्मुल नहीं कर सके। पिछली आयत में अल्लाह ताला ने इनकी मिसाल उस गधे की सी बयान की है जिसकी पीठ पर किताबों का बोझ लाद दिया गया हो। मसलुल लदीन हुम्मिलु तौरा थुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारी यहमिलु असफारा। वो लोग जिनको तौरात दी गई थी उनकी मिसाल ऐसी है गोया कि एक गधा है जिसके ऊपर किताबों का बोझ लाद दिया गया है। बिस्सा मसलुल कौमिल लदीन कज़्ज़बू बि आयातिल्लाह, क्या ही बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने अल्लाह की आयात को झुठलाया। वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, और अल्लाह ताला ऐसे ज़ालिमों को हिदायत नहीं दिया करता। उसके बाद से इन आयात का तसलसल है जो मैंने पढ़ी हैं। तो ये यहूदियों का मामला है कि वो अल्लाह ताला के नाफरमान, किताब पैगंबर तालीमात उनके पास आने के बावजूद उन्होंने उसको कबूल किया लेकिन फिर बाद में गुमराह हो गए। और इन्हीं लोगों से पनाह मांगी गई है सूरह फातिहा में, गैरिल मग़दूब अलैहिम, ऐ अल्लाह हमको ये लोगों का रास्ता न चलाइए जिन पर आपका ग़ज़ब नाज़िल हुआ। और जम्हूर मुफस्सिरीन की राय यही है कि वो लोग जिन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल हुआ यहूदी हैं, और ये यहूदी लोग वही हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीने में रहा करते थे। कई कबीले इनके थे, बनू क़ैनुक़ा, बनू नज़ीर, बनू खुज़ाअ, ये मदीने में रहने वाले यहूदियों के मशहूर कबाइल हैं। और इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ माहदा किया लेकिन माहदा का तोड़ दिया, जो माहदा किया था उसको तोड़ दिया। फिर ये हालात चलते चलते वो वक्त भी आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके खिलाफ बाज़ाब्ता जिहाद करना पड़ा, जंगें लड़ी गईं, इनको तहतीक किया गया, इनको किलों में क़ैद बंद होने के लिए मजबूर किया गया, और फिर इनके सरदारों को मुसलमानों के हाथों से कत्ल होना पड़ा। ये तारीख है, ये सीरत है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। फिर सूरह बनी इसराइल में तो अल्लाह ताला ने इनकी ऐसी सरदनिश बयान की है कि इनको अल्लाह ताला ने हमेशा के लिए ज़लील व ख़ार किया, दुनिया के मुख्तलिफ इलाक़ों में ये लोग फैल गए। अब ये और बात है कि क़ियामत के करीब अल्लाह की मशीयत के मुताबिक इन लोगों को फिर से जमा होने का मौका दिया जाएगा, इनकी मुमलिकत कायम होगी, बहुत शर व फसाद ये लोग दुनिया में पैदा करेंगे और मुसलमानों के लिए बड़ी आजमाइश बनेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियामत के करीब के जो अहवाल बयान किए हैं उसमें इसकी बड़ी तफसीलात हमको मिलती हैं। फ़िलहाल इस मुख्तसर वक्त में मैं वो सारी तफसीलात में जाना नहीं चाहता। मैंने चंद इशारे दिए हैं कि ये सारे बैकग्राउंड के तहत अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा को कहा है कि अगर तुमको इस बात का दावा है कि तुम भी अल्लाह को मानते हो, अल्लाह को अपना सरपरस्त जानते हो, तो फिर मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते। कुल या अय्युहल्लज़ीना हादू, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों से कहिए, ऐ यहूदियो, इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउल्लाह मिन दूनिन्नास, लोगों के अलावा तुम लोग भी अगर अल्लाह ताला को अपना वली, अपना कारसाज समझते हो, फतमन्नुल मौत, फिर मौत की तमन्ना करो, क्योंकि कोई भी अपने सरपरस्त के पास, अपने वली के पास, अपने खैरख्वाह के पास, अपने रब के पास
जाना चाहता है। अगर अल्लाह को तुम अपना वली मानते हो तो फिर अपने रब के पास जाने से घबराने की क्या ज़रूरत है। अल्लाह के पास तो जाने के लिए तुमको तमन्ना करना चाहिए, फतमन्नुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तुम मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। वला यतमन्नुनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम, लेकिन ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखेंगे कि ये लोग कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। आज भी आप देखते हैं कि यहूदी मौत से इतना घबराते हैं कि किसी और चीज़ से नहीं घबराते, वो लोग कतन मरना नहीं चाहते। इसके बरक्स मोमिन जो होता है उसको अल्लाह ताला के पास अपने ईमान के नतीजे में जन्नत का वादा है, उस पर उसको यकीन है, अल्लाह की रिदा और खुशनुदी उसको हासिल होने वाली है, उस पर उसको यकीन है, जन्नत की सारी नेमतें जो उसको मिलने वाली हैं जिसकी खुशखबरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, उस पर उसको यकीन है। इसलिए पूरी तारीख में आप देखेंगे कि अहले ईमान मौत से नहीं घबराते कभी, मौत उनकी मरगूब शय है। मोमिन तो मरना चाहता है। सीरत के वाक़यात में आपने एक सहाबी का वाक़या सुना होगा कि जब उनको नेज़ा मारा गया और आखिरत के मनाजिर उनको नज़र आने लगे, जन्नत का मंज़र जब उनकी आँखों के सामने आया तो उन्होंने पुकार कर कहा, फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं तो कामयाब हो गया। जिस गैर मुस्लिम ने उनको नेज़ा मारा था वो हैरान हो गया, उसने सोचा कि मैं तो इसको नेज़ा मार के हलाक कर रहा हूँ, ये मौत के मुँह में जा रहा है, लेकिन कह रहा है कि रब काबा की कसम में तो कामयाब हो गया। वो सोच में पड़ गया, बज़ाहिर मैं ज़िंदा हूँ, मैं उसके ऊपर गालिब आ चुका हूँ, मैं उसको कत्ल कर रहा हूँ, वो मार खा चुका है, मौत उसके सामने आ गई है, फिर भी वो कह रहा है कि मैं कामयाब हो गया। एक सहाबी को देखा गया कि खजूर की थैली हाथ में लिए आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, जिहाद का ऐलान हो चुका था। सहाबी रसूल ने पूछा, अल्लाह के रसूल अगर मैं इस जिहाद में लड़ते लड़ते मारा जाऊं, शहीद हो जाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत मिलेगी। तो खजूर खाते खाते एक सेकंड के लिए रुक कर सोचने लगे कि मैं ये खजूर खा के जाऊँगा तो देर हो जाएगी जन्नत में जाने के लिए, तो खजूर की थैली फेंका और मैदान कारजार में कूदे, बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत हंजला रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का वाक़ आप जानते ही हैं कि शबे उरूसी का मौका है, दुल्हन के साथ अपनी रात गुजारी है, गुस्ल करने के लिए बैठे हैं और जिहाद की निदा लगा दी गई है, वैसे ही उठ के बाहर आए, गुस्ल पूरा नहीं किया, मैदान जिहाद में गए, शहीद हो गए और उनकी लाश गायब हो गई। बाद में जब उनकी लाश मिली तो उनकी लाश से गुस्ल का पानी टपकता हुआ मिला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा लोगों ने कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमजला की के जनाजे में पैरों के बल पंजों के बल चल रहे हैं। लोगों ने पूछा, अल्लाह के रसूल ये सब क्या मामला है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमजला की रात में शादी हुई, निकाह हुआ था और वो अपने बीवी से कुर्बत किए हुए थे, गुस्ल उन्होंने नहीं किया था, गुस्ल करके आने तक देर हो जाने के अंदेशे की वजह से वो मैदान जिहाद में आए, लड़ते हुए शहीद हो गए, गुस्ल उन पर वाजिब था इसलिए फरिश्तों ने लिया कर उनको गुस्ल दिया। और फिर उसके बाद हंजला के जनाजे में इतनी कसरत से फरिश्तों का नज़ूल हुआ कि मुझे चलने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, इसलिए मैं पंजों के बल चल रहा था। ये मुसलमान की मौत का मामला है और वो काफिर और यहूदी की मौत का मामला है। आज भी आप देखिए, अब ये सब जंगें हुई हो रही हैं ना मुख्तलिफ मौक़ों पर, यहूदी मुसलमानों पे, गजा पे, फ़लस्तीन पे हमले करते रहते हैं, सैकड़ों फ़लस्तीन शहीद होते हैं, बखुशी जाम शहादत नोश करते हैं। आज भी इस गए गुजरे ज़माने में, हमारे कमज़ोर ईमान के ज़माने में, और लाशों के परख से उड़ रहे हैं,
मुसला बनाया जा रहा है, हाथ पैर कट चुके हैं, जिस्म के चिथड़े उड़ चुके हैं, लेकिन इनके चेहरों के ऊपर बशाशत है, इत्मीनान है, सुकून है, बगैर हथियार के तने तनहा बमों का सामना करते, नारे तकबीर मारते हैं, एक दूसरे को खुशी से मुबारकबाद देते हैं कि तुम्हारा बेटा जन्नत में चला गया, अनकरीब हम भी मर जाएंगे तो इंशाल्लाह अपने बच्चों से जन्नत में मुलाकात करेंगे। अभी जो हाल में जंग हुई, एक छोटा सा बच्चा है 12-15 साल का, अपने किसी रिश्तेदार के कंधे पे चढ़ गया है, आंख से आंसू जारी है, अरबी में अशार पढ़ रहा है कि इंशाल्लाह हमारे सारे शोहदा से हमारी मुलाकात जन्नतुल फिरदौस में होगी। ये जन्नत का जो वादा मुसलमानों से, अहले ईमान से अल्लाह ताला ने किया है, अहले ईमान को इस पर यकीन है, इसलिए ये मौत से घबराते नहीं। मरना इनको ऐसे ही महबूब है जैसा इन लोगों को जीना महबूब है, और यही वो वस्फ है जो सहाबे किराम के अंदर था। और जब मौत का डर उनके अंदर से निकल गया था, अल्लाह से मुलाकात करने का शौक और ज़ौक उनको ऐसा पैदा होता था कि लड़ते लड़ते हाथ कट गया और एक चमड़े के टुकड़े पे लटक रहा है, दूसरे हाथ से तलवार चला रहे हैं, दूसरे हाथ से तलवार चलाने में लटका हुआ हाथ डिस्टर्ब कर रहा है, तो पैर के नीचे डाल के हाथ को खींच के उखाड़ के फेंक दिया और फिर एक हाथ से तलवार चलाते। ये बहादुरी मुसलमानों की उस ज़माने में थी, आज भी जो अल्लाह के नेक बंदे हैं, अब दुनिया चाहे कुछ कहे, लेकिन जो सही मानों में जिहाद कर रहे हैं, अब वो कौन कर रहे हैं वो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहादुरी से जो हालात का सामना कर रहे हैं उनके अंदर भी वो झलक हमको नज़र आती है कि वो मौत से घबराते नहीं, मौत को बखुशी अपने गले लगाते हैं। और जो आदमी शहादत की मौत मरता है तो उसके तो बेशुमार फ़ज़ाइल कुरान और हदीस के अंदर मौजूद हैं। मशहूर आयत तो आपको याद ही होंगी कि वला तकुलु लिमन युक्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं उनको मुर्दा मत कहो, वो ज़िंदा हैं, तुमको उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। सूरह आले इमरान में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वला तहसबन्ना अल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता। जो लोग अल्लाह के रास्ते में मारे गए उनको मुर्दा मत समझो, बल अहयाउन عند ربهم يرزقون, बल्कि वो जिंदा हैं, वो अपने रब के पास रिज्क भी पा रहे हैं। فرحين بما آتاهم الله من فضل, और वो लोग अल्लाह के फजल से जो नेमतें उनको मिली हैं उस पर बहुत ही शादा व फरहा हैं। उनकी आरज़ू तमन्ना है कि वो अपने रिश्तेदार और जो लोग उनके दुनिया में छूट गए हैं उनको इत्तला दें कि वो कितने खुश व खुर्रम हैं, जन्नत में कैसी आराम की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बहुत जल्द तुम लोग भी आकर हमसे मिलने वाले हो। ये मामला होता है जब मोमिन की मौत वाकई होती है ईमान की हालत में अल्लाह के रास्ते में। ये चंद बातें इसलिए भी मैंने अर्ज़ की हैं कि बहुत जल्द मुहर्रम का महीना आ रहा है, शुहदा की याद मनाई जाती है। एक को मुहर्रम को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत वाकई हुई, हज़रत उस्मान की शहादत भी इन्हीं दिनों में वाकई हुई, और फिर करबला का वाकया तो मशहूर है। जो लोग भी अल्लाह के रास्ते में मारे जाते हैं, चाहे वो किसी ज़माने के क्यों ना हो, उन सब के लिए ये बशारत मौजूद है। हदीस में भी उनकी बड़ी फजीलत आई है कि शुहदा की रूहों को सब्ज़ परिंदों की शक्ल में मुंतकिल कर दिया जाता है और वो जन्नत के दरख्तों के ऊपर उड़ते फिरते हैं, कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर। एक रिवायत में आता है कि अर्श इलाही के फानूसों के अंदर रहने के लिए शुहदा की रूहों को छोड़ दिया जाता है, वो अर्श इलाही के फानूस बन के रहते हैं। इस तरह की बहुत सी रिवायतें हमको मिलती हैं। तो ये खुशखबरी का मामला है उन लोगों के लिए जो ईमान के साथ अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाते हैं। और फिर आम तौर पर भी जिस आदमी की नॉर्मल मौत आती है, बज़ाहिर मौत की बड़ी सख्तियाँ भी रिवायतों में हमको मिलती हैं, और क़ुरान की मशहूर आयत तो आप जानते हैं कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। इस ज़ायक़े के बारे में बड़ी सख्त रिवायत भी हमको मिलती है कि जो आदमी को मौत वाक़ हो जाती है उसको सख्त
मज़ा चखना पड़ता है। बनी इसराइल का वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का आपने सुना होगा कि लोगों ने गुजारिश की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की और एक शख्स कब्र से निकला, उसने कहा कि मुझे मर के 100 साल हो गए और अभी तक के मौत की कड़वाहट मेरे मुंह से गई नहीं है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबज़ादी हैं। हिजरत के मौके पर एक ज़ालिम ने आपको नेज़ा मारा, हमल ज़ाया हो गया और उसी ज़ख़म की वजह से मदीने तैयबा पहुँचने के बाद आपकी शहादत वाक़ई हुई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने हाथों से अपनी साहिबजादी को कब्र में उतारा और जब कब्र बंद की तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे के ऊपर फ़िक्र के असरात देखे गए। आप मुतफक्किर नज़र आए, परेशान थे, आपके चेहरे का रंग बदला हुआ था। फिर थोड़ी देर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल गया, आप मुस्कराने लगे। जब ये तासुरात चेहरे के देखे तो सहाबे किराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कुछ देर तो आप परेशान थे, गम व अंधों के आसार आपके चेहरे मुबारक पर नज़र आ रहे थे, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपका चेहरा खुल गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुछ देर के लिए ज़ैनब के ऊपर कब्र तंग कर दी गई थी, फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ की, उसके नतीजे में उसकी कब्र कुशादा कर दी गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को भी जब कब्र की ये तंगी कुछ देर के लिए सही सहना पड़ी है तो फिर आम लोगों का क्या मामला हो सकता है, ये बात काबिले गौर है। इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को कसरत से याद करो। मैं तुम्हारे दरमियान में दो वायस छोड़ कर जा रहा हूँ, ये दोनों वायस तुमको आखिरत की याद दिलाएंगी। एक बोलने वाला वायस, एक खामोश वायस। बोलने वाला वायस अल्लाह का कलाम कुरान मजीद, और खामोश वायस लोगों की मौत, जनाजा और अपनी मौत की याद। इसको कसरत से याद करने का हुक्म दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस तरह से लोहे को जंग लग जाता है उसी तरह कुलूब को भी जंग लग जाता है, दिलों को भी जंग लगता है। कपड़े का जंग कपड़े का मैल दूर करने के लिए साबुन इस्तेमाल किया जाता है, लोहे और सोने चांदी का मैल दूर करने के लिए भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है, और कुलूब का मैल दूर करने के लिए दो चीज़ें हैं जो सैकल का काम करती है, कुरान मजीद की तिलावत, दूसरे मौत की याद। तो कुरान को पढ़ना और अपनी मौत को याद करना, इसका प्रैक्टिकल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। रात में जब सोते हैं तो दुआ सिखाई गई, हम तो उर्दू में बोल रहे हैं, हम सो रहे हैं, सो गए उठ गए, सो गए उठ गए, लेकिन दुआ के अल्फाज क्या है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ऐ अल्लाह मैं आपके नाम से मरता हूँ, आपके नाम से जिंदा होता हूँ। मरने और ज़िंदा होने का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। मालूम यह होता है कि जब हम सो जाते हैं तो वो भी एक तरह की मौत है जो हमारे ऊपर तारी हो जाती है। सिर्फ सांस चलने लगती है और जिस्म के अज़ा अंदर से खामोशी से काम करते हैं, लेकिन हाथ पैर में हरकत बाकी नहीं रहती, आँखें बंद हो जाती हैं देख नहीं पाती, कान बंद हो जाते हैं सुन नहीं पाते, और कई मरतब ऐसा होता है कि लोग आते हैं जाते हैं, दुनिया के मशगले चलते रहते हैं, लेकिन हम नींद में होते हैं तो पता ही नहीं चलता हमारे अतराफ में क्या हुआ। यह एक तरह से मौत का एक छोटा सा हिस्सा है, मौत की छोटी बहन करार दिया गया नींद को। और फिर जब सुबह उठते हैं तो क्या कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर, अल्लाह ताला का शुक्र है कि उसने हमको ज़िंदा किया बाद इसके कि हम मर चुके थे और हमको पलट के उसी की तरफ जाना है। एक सोने वाला आदमी, मरा हुआ आदमी, दोनों के अंदर बज़ाहिर कोई फ़र्क महसूस नहीं होता। मरे हुए आदमी को भी आप देखिए सोता हुआ मालूम होता है, सोने वाले आदमी को भी कभी गौर से देखिए मरा हुआ मालूम होता है, दोनों के अंदर बड़ी मुशाबहत है। तो रोज़ाना का सोना उठना मौत की याद दिलाता है, इसलिए मौत को कसरत से याद करने का हुक्म दिया गया। और ये एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। दुनिया में लोग खुदा के मुनकिर ज़रूर पैदा हुए हैं, लेकिन मौत का इनकार करने वाला कोई पैदा नहीं हो सका। हर एक को यकीन है कि मौत आएगी, और कब आएगी कोई नहीं जानता,
कैसे कैसे असबाब बनते हैं, रात दिन हम अपनी आँखों से देखते हैं, फिर हमको पता नहीं कि हम में से किसका वक्त कब आने वाला है। इसलिए हमेशा मौत की तैयारी करते हुए अपनी ज़िंदगियों को गुजारने का हुक्म दिया गया है। इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअखिरूना सा'अतन वला यस्तक़दिमून। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो एक साथ आगे नहीं एक साथ पीछे, ठीक अपने वक्त के ऊपर आदमी को मौत आती है और उसको पकड़ के ले जाती है। वमा तदरी नफ्सुम बि अय्यि अर्ज़िन तमूत, कोई नफ्स नहीं जानता कि ज़मीन के किस हिस्से में जाके वो मरने वाला है। हर एक की मौत का वक्त और जगह अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दिया और उसकी शक्ल सूरत भी अल्लाह ताला ने मुकर्रर कर दी, कौन किस हालत में जाकर मरेगा, कहाँ जाकर मरेगा। मौत इंसान को ले जाती है। अभी कल हमारे एक रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, अखबारात में आपने पढ़ा होगा कि वो सिमी के सदर थे एक ज़माने में, जेलों में गए, बड़े बड़े मराहल से गुजरे। हर मौके पर ऐसा महसूस होता था कि अब ये वापस आने वाले नहीं है, इनका इनकाउंटर होगा, मार दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा। हर मौके पर कई ऐसे मौके, 20-25 साल से आजमाइशें चल रही थी, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की मशीयत थी, वो वापस आते रहे और फिर अब हाल हाल में फिर जेल से छूट के आए, बड़ा कारोबार शुरू किया, करोड़ों का बिजनेस शुरू किया। और अब सब ये समझ रहे थे कि चलो अब एक नई ज़िंदगी इन्होंने शुरू कर ली, कार वार खरीदे। जेल के ही एक साथी का वलीमा था नलगुंडे में, वलीमा अटेंड करके वापस आ रहा है रात के 2 बजे, परसों एक्सीडेंट हो गया। और एक्सीडेंट कैसा अजीब व गरीब है, ड्राइवर है ये है, दोनों इस तरह से कार में बैठे हुए और जा रहे हैं, सामने की जाने वाली लारी एकदम रुक गई और ये कार तो स्पीड में थी, काबू के बाहर हुई, ड्राइवर ने कट मारने की कोशिश की तो ड्राइवर वाला हिस्सा बाहर निकल गया और ये साहब जहाँ बैठे थे वो कार में, वो लारी में घुस गए और वो पूरा कार का बॉडी पूरी इनके बॉडी में धंस गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और ड्राइवर को एक स्क्रैच नहीं आया। ये अल्लाह की शान है, कोई कुछ नहीं कर सकता। बूढ़े माँ बाप, 5 महीनों का एक भाई, 80-90 साल की उम्र के माँ बाप हैं, रोते रोते बुरा हाल है। बहरहाल हर इंसान को किसको कब आएगी, बचपन में आएगी, जवानी में आएगी, बुढ़ापे में आएगी, बीमारी के बाद आएगी, सेहत में आएगी, कोई नहीं जानता। अल्लाह ताला ने यहूदियों से तो कहा कि अगर तुमको इस बात का इत्मीनान है कि तुम अल्लाह को अपना वली मानते हो लोगों को छोड़कर, फतमन्नवुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर अल्लाह ताला से मौत की तमन्ना करो अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। वला यतमन्नौनहु अबदं बिमा क़द्दमत अयदीहिम, लेकिन आप देखेंगे कि ये लोग कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे। अल्लाहु अलीमुन बिज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ताला ज़ालिमों को जानता है। قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, और ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि बेशक वो मौत जिससे लोग भागते हैं, जिससे तुम भागते हो मौत से, आदमी को डर किस बात का है, हम मर जाएंगे ना, भागते हैं मौत से डर के, تَفِرُّونَ مِنْهُ, जिससे तुम फरार इख्तियार करते हो, فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ, लेकिन वो तुमसे मुलाकात करेगी, वो मिलेगी आकर तुमसे जरूर। ثُمَّ تُرَدُّونَ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ, फिर तुमको पलटाया जाएगा उस हस्ती की तरफ जो इल्म रखती है गैब का भी और जाहिर का भी। فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, और तुमको बता दिया जाएगा जो कुछ के अमल तुम करते थे। सिर्फ यही नहीं है कि मर गए किस्सा खत्म, नहीं, बल्कि अपने रब के पास लौटाया जाएगा, फिर वहां तुमको बताया जाएगा कि क्या जिंदगी गुजार के आए। ये है नतीजा जो इन आयात में हमारे सामने पेश किया गया है। और फिर मौत के अहवाल तो कुरान और हदीस में बेशुमार बयान किए गए और दावत गौर और फिक्र दी गई है कि हर मैयत में जब जाते हो, जनाजा सामने होता है, जनाजा लेकर चलते हैं, तो ये मत समझो कि फला का जनाजा है, ये समझो कि तुम्हारा अपना जनाजा है। जैसे आज उसको 4 कंधों पर उठाया गया, कल तुमको भी 4 कंधों पर उठाया जाएगा। जैसे आज वो हंसता बोलता इंसान हमेशा की नींद सो गया,
आज तुम भी हंसते बोलते हो, बहुत जल्द वो वक्त आने वाला है कि तुमको भी हमेशा की नींद सुला दिया जाएगा। कब्रस्तान से जब गुजरो तो दुआ पढ़ो, अस्सलामु अलैकुम या अहले दियार, इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून, ऐ कब्र वालों तुम पर सलामती हो, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द हम भी आकर तुमसे मिलने वाले। ये दुआ के अल्फाज हैं, इन्ना इंशा अल्लाह बिकुम लाहिकून, बेशक अल्लाह ने चाहा तो हम भी तुमसे लाहिकून मुलहिक होने से, यानी आके मिल जाना, हम भी आकर तुमसे मिलने वाले। ये जो हमारी आलीशान इमारतें आरजी है, टेम्पररी, हम अगर जाती घर बना लेते समझते हैं कि अब परमानेंट ठिकाना हो गया मियाँ, परमानेंट ठिकाना ये नहीं है, वहाँ ये आलीशान इमारतें परमानेंट ठिकाना नहीं है, ये तो बहुत बड़ा धोखा है। इन्नमल हयातु दुनिया मताउल गुरूर, धोखे का सामान है। असल तो वो है दो गज का प्लॉट, 200 गज का, 2000 गज का नहीं है, 2 गज का प्लॉट जो इंसान को हमेशा के लिए दे दिया जाता है, और 2 गज का कपड़ा है जो हमेशा के लिए पहना दिया जाता है, ये सूट ये शेरवानी सब उतर जाती है। और वहाँ पर इंसान को क्या अमीर क्या गरीब, सबको एक ही अंदाज में, कोई अमीर मरा तो उसकी खबर में तो तुशक डाली जाती, ना मैट्रेस लगाई जाती, ना लाइट लगाई जाती, ना एसी का इंतज़ाम किया जाता, बिल्कुल उसी तरह से उसको भी दफन किया जाता है जैसे किसी फकीर को दफन किया जाता है। तो बहरहाल ये एक अटल हकीकत है, इसकी तरफ हम सब की तवज्जो होनी चाहिए। जब भी हम मैयत में जाएं, कब्रस्तान से गुज़र हो, तो ये जहन में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनकी मौत आई हम तो जिंदा है, नहीं, हम भी बहुत जल्द मरने वाले हैं, और हमको अपने पास, अपने रब के पास जाना है और अपनी ज़िंदगी का हिसाब देना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस्लाम पर ज़िंदगी, ईमान पर मौत अता फरमाए, और मौत सकरातुल मौत और उसकी सख्तियों को अल्लाह ताला हम में से हर एक के लिए आसान फरमा दे। कब्र के अज़ाब से अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए, और अपने रहम व करम से हमारे गुनाहों को बख्श दे, आसान हिसाब हमसे ले, अपनी रज़ा और खुशनुदी हम सबको नसीब फरमा, जन्नतुल फिरदौस में दाखिला अता फरमा। ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الحمد